हाय फ्रेंड्स, आज आपको बताएंगे अकाउंट क्या है, अकाउंट के प्रकार, फार्मूला और उदाहरण। तो वीडियो को पूरा देखें और अकाउंट्स के सारे नियम हर कुछ आप जानें। तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? तो अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं। पहला अकाउंट होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट्स होते हैं वो सभी शामिल होते हैं। और रियल अकाउंट टाइप्स ऑफ टू टाइप्स, रियल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है टेंजिबल, सेकंड होता है इनटेंजिबल। इसका रूल होता है डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, जितने भी व्यापार में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सबको हमें डेबिट कर देना है। सेकेंड टाइप है क्रेडिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, जितने भी व्यापार से हमारे जाती हैं वस्तुएं उन सबको हम क्रेडिट कर देते हैं। इसके बाद है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में ऑल पार्टीज़ जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके अकाउंट्स को हम इसमें शामिल करते हैं। इसके टाइप्स में कुछ नहीं है, सिर्फ इसके हैं डेबिटर्स क्रेडिटर्स। जैसे कि रूल्स है इसका, डेबिट द रिसीवर, मतलब जो प्राप्त करेगा पैसे को, मनी को, जो भी प्राप्त करेगा, जिस भी पार्टी से हम प्राप्त करेंगे उसको हमें डेबिट करना है, और जिससे हमें लेना है उसको क्रेडिट करना है। तो इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर इसके बाद आते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में ऑल आइटम्स, जितने भी आइटम्स होते हैं उन सबको नॉमिनल अकाउंट में रखा गया है, और जितने भी प्रॉफिट लॉस होते हैं वो सारे चीज़ इसमें नॉमिनल अकाउंट में रखा गया है। इसमें टू टाइप्स होते हैं, इनकम और एक्सपेंस। जितनी इनकम होती है उसको हम अपने नॉमिनल अकाउंट में दिखाते हैं, और जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको भी दिखाते हैं। इसका रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। सेकेंड होता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। कहने का मतलब इसमें जितने भी इनकम आएगी उसको, और जितने भी हमारे लॉस होंगे उसको हमें डेबिट करना है, और जो भी हमारे पास से इनकम जाएगी, जितने भी हमारे पास गेंस होंगे, जितने भी हमें प्रॉफिट होगा उसको हमें क्रेडिट करना है। तो अब हम देखेंगे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट के डिफिनीशन सहित इसकी परिभाषा क्या है, कैसे क्या है। तो आपके पास है पर्सनल अकाउंट, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिगत खाता कहते हैं। इस अकाउंट में सभी व्यक्ति, सोसाइटी, ट्रस्ट, बैंक और कंपनी के अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जितने भी व्यक्ति का जो पर्सनल अकाउंट होता है वही तो पर्सनल अकाउंट कहलाता है। इसका फॉर्म उदाहरण है जैसे तिरुपति अकाउंट, कृष्णा सेल्स अकाउंट, अनिल ट्रेडर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे क्या हैं, किसी में पार्टी का नाम है तो किसी में व्यवसाय का नाम है, किसी में बैंक का नाम है, ये सारे हमारे अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। ऐसे ही हम आते हैं रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में वस्तुगत खाता, जिसे कहते हैं हम वास्तविक खाता, इसमें क्या होता है, रियल अकाउंट में सभी एसेट्स और गुड्स शामिल किए जाते हैं। एसेट्स और गुड्स क्या होते हैं, एसेट्स मतलब जितने भी हमारे पास खर्च होंगे, सॉरी जितने भी हमारे पास एसेट्स होते हैं, और गुड्स मतलब जितने भी हमारे पास आइटम्स होते हैं। जैसे कि जितने भी अकाउंट में हमारे, जैसे कि उदाहरण है कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, जितनी हमारी स्वयं की खुद की संपत्ति होती है उसको, और गुड्स में जितने भी हमारे पास माल आइटम्स होते हैं उन सबको शामिल किया जाता है। तो इस अकाउंट को पहचान करने के लिए एसेट्स और गुड्स जहाँ पे मिल जाए इसका मतलब वो रियल अकाउंट्स का है। इसके बाद है नॉमिनल अकाउंट। इस अकाउंट को नाम मात्र का अकाउंट कहते हैं। बिजनेस से संबंधित सभी आय और खर्च नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण जैसे कि सैलरी आ गया, रेंट आ गया, कमीशन आ गया, एडवर्टीजमेंट, लाइट बिल, ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं।
अब हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग के नियम, किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी एंट्री को कैसे हम पास करते हैं, उसका नियम क्या होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले अकाउंट्स के नियम को हमें पता होना चाहिए। तो पर्सनल अकाउंट का जो नियम होता है, पर्सनल अकाउंट में जितने भी, जैसे कि इसमें है पाने वाले को डेबिट, कहने का मतलब जितने भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी से, मनी से, किसी से भी रिलेटिव, आप इसमें ट्रेड वगैरह से कहीं से भी जो भी चीज़ आप पाएंगे उसको डेबिट कर देना है और जो देंगे उसको क्रेडिट कर देना है। तो फार्मूला इसका है पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। इंग्लिश में हम कहेंगे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जैसे कि आपके पास एग्जांपल है राम कैश पेड टू मोहन। अब यहाँ पे राम कैश पेड टू मोहन, तो मोहन को प्राप्त हो रहा है और राम दे रहे हैं, तो हो जाएगा मोहन अकाउंट डेबिट और राम अकाउंट क्रेडिट। रियल अकाउंट का नियम क्या है, जो वस्तुएं व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो वस्तुएं व्यापार से जाएं उसे क्रेडिट कर दो। तो कहने का मतलब जैसे हम कोई चीज़ परचेज करेंगे तो उसको डेबिट कर देंगे, जब किसी चीज़ को हम सेल करेंगे तो उसको क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता, इसमें क्या करते हैं समस्त प्रकार के खर्च और हानियों को डेबिट करो और समस्त प्रकार के आय और लाभों को क्रेडिट करो। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। अब कुछ एग्जांपल आपके पास हम लेकर आए हैं जिसको आपको खुद से करके दिखाना है कि कैसे क्या हम करेंगे, किस अकाउंट से किसका क्या रिलेशन है, कैसे इसको हम बैलेंस शीट के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे इसको हम पास कर सकते हैं। तो परचेज लैंड फॉर अमाउंट है 10,05,000। तो परचेज लैंड फॉर 10,05,000। अब इसको पास करने का मतलब पहले हम देख रहे हैं परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं। तो लिखेंगे लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कितना 10,500। अब कहेंगे सर जी कैश कैसे आया, तो कैश ऐसे आ जाता है जहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का नाम नहीं लिया जा रहा है, सेकंड पार्टी का, इसका मतलब वो कैश ही होगा। इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम एसके क्रिएशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एसके क्रिएशन से परचेजिंग की जा रही है, इसका एंट्री क्या होगा, परचेज गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं टू एसके क्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। ये हो गया एकदम सिंपल। ऐसे हम इस पे आएंगे स्टेशनरी परचेज्ड, इसका हो जाएगा स्टेशनरी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ऐसे है गुड्स सोल्ड इंडियन कॉटन फॉर क्रेडिट, तो गुड्स सोल्ड किसको सोल्ड कर रहे हैं, कॉटन फॉर क्रेडिट, तो कॉटन भाई रिसीव कर रहा है ये इंडियन कॉटन, इसको हम कर देंगे डेबिट, इंडियन कॉटन अकाउंट डेबिट टू गुड्स सोल्ड अकाउंट क्रेडिट। ऐसे है रेंट पेड टू बिल्डिंग ऑनर, अब रेंट हम पेड कर रहे हैं बिल्डिंग ऑनर को, ये रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट में आ गया है, तो इसको हम रेंट पेड को कर देंगे डेबिट, तो हो जाएगा रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग ऑनर अकाउंट क्रेडिट। ऐसे ही सारे एग्जांपल्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पास कर लें, देख लें कैसे पास किया जाता है। जो ना समझ में आए कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो हमारा कैसा लगा है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोग आप इस चैनल से जुड़ सकें। इस चैनल को जब जुड़ेंगे आप, तो ऐसे ही टैली के एक एक सिलेबस को मैं, अब टैली एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, एंड तक ले चलूँगा इसको। बस आपका साथ, आपका सहयोग,
हमें चाहिए और हम आपको पूर्णतः अपना जो कर्तव्य है उसको हम देते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।